राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपने कार्यालय में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया और कहा कि इस मौके पर देश में लगातार विकास हो रहा है और देश के लोग सौहार्द तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं और हम आशा करते हैं कि देश और भी तरक्की करेगा। और उपेंद्र कुशवाहा के भी राजनीतिक समीकरण को लेकर जवाब दिया। आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम लोगों ने 73वां गणतंत्र खत्म करके 74वां हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में जो संविधान लिखा गया था उसे आज के दिन ही 1950 में लागू किया गया था। और आज हम लोग अपने प्रदेश कार्यालय में पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ आज ये पर्व मना रही है। बहुत उत्साह है और हम अपने सभी हमारे क्रांतिवीर जितने भी हमारे शहीद हुए हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उनको आज हम लोग याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग जो मना रहे हैं उस काफ़ी उत्साह के साथ हम सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। कई लोगों को पद्मश्री मिला है, अनंत कुमार जो मैथमेटिशियन है उनको, सुभद्रा देवी को और कपिल देव प्रसाद जी हैं, तीन लोगों को पद्मश्री मिला है। हाँ, बहुत खुशी की बात है जो हम लोगों के जिस तरीके से हिंदुस्तान एक ऐसी भूमि है जहाँ पे कई महान हर एक क्षेत्र में जो उपलब्धि लोगों ने पाई है वो काफ़ी लाते हैं और इस तरीके से उन्हें सम्मान देना बहुत ही गर्व की बात है। एक सवाल होगा, बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है, उपेंद्र नीतीश कुमार ने एक बयान दिया जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को कहा है कि वो जाना हो तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिहार में जो ये जो आप देख रहे हैं कि बयानबाजियों का दौर है, इसको लेकर आपको क्या लग रहा है, किस तरह की राजनीतिक समीकरण बन रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का यह बयान देना जो जाना चाहते हैं वो जाएं, वो अगर नहीं भी देंगे तभी लोग जा रहे हैं, उन्हें छोड़ के सभी लोग जा रहे हैं। जिस तरीके से उनका बयानबाजी हो रहा है, जिस तरीके से वो महत्वाकांक्षी हो गए हैं, जिस तरीके से वो जिस दूसरे राह पे निकल चुके हैं उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, एक एक करके उन्हें सब छोड़ देंगे। ठीक सर, एक सवाल और सर, कल उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है कि बड़े भाई के कहने पर छोटा भाई नहीं चला जाएगा, मैं अपनी हिस्सेदारी लेकर जाऊँगा, क्या लग रहा है सर, क्या हिस्सेदारी की बात है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने अपना पार्टी नीतीश कुमार जी के पार्टी में विलय किया था, जाहिर सी बात है जब उन्हें उस तरीके का मान सम्मान नहीं मिलेगा तो उस तरीके की बातें वो करेंगे। और ये सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी की बात नहीं है, पार्टी में जेडीयू में तमाम जितने भी नेता और पदाधिकारी हैं सब में मतलब कि इस तरीके का जो भावना पैदा हो गया है, सभी अपने अपने भविष्य को लेके चिंतित हैं और अपना अपना राह ढूंढ रहे हैं। ठीक है।